वी विल रैप अप फाइव टॉपिक्स एंड फाइव टॉपिक्स के बाद में वी विल रिवाइज द फाइव टॉपिक्स फटाफट से. तो पहले हम फोर्थ टॉपिक में एकदम कंफर्टेबली, अब भूल जाओ कि अभी जो तीन टॉपिक पढ़े उसको भूल जाओ, उसको याद करा के भेजना मेरी ड्यूटी है. तो आप छोड़ दो, अब बस नेक्स्ट टॉपिक पे आओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आईपीओ ग्रेडिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना, खुद की लैंग्वेज यूज करने का फ्रीडम मैं यहाँ पे आपको नहीं दे सकता, मॉड्यूल की ही लैंग्वेज यूज करनी है. तो एकदम पेशेंस रहो, हमें मॉड्यूल की लैंग्वेज पूरी तरह से हमें याद हो जाएगी, डोंट वरी. चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूल का क्या कहना है अबाउट आईपीओ ग्रेडिंग. देखो कुछ चीजें तो हमें समझती है इसमें. आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, चलो ठीक है. आईपीओ का मतलब जनरली इनिशियल पब्लिक ऑफर. ग्रेडिंग बोले तो किसी भी चीज को रेट करना, रेटिंग. आपने जो क्रेडिट रेटिंग का चैप्टर पढ़ा होगा आपके मॉड्यूल में, उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज आईपीओ ग्रेडिंग. उसका जो लास्ट टॉपिक दैट इज आईपीओ ग्रेडिंग. तो रेटिंग ऑफ आईपीओ इज कॉल्ड आईपीओ ग्रेडिंग, इज कॉल्ड आईपीओ ग्रेडिंग. चलिए ठीक है. आईपीओ ग्रेडिंग के अंदर व्हाट डू यू ग्रेड, इट इज एकदम ध्यान से असेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक. एकदम इजी लैंग्वेज में कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखना. इस पर टाइम लगे चलता है, एग्जाम में आएगा. मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम में आएगा है, मतलब आता है, तो एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है. असेसमेंट ऑफ ऐसे जो साहब, तो मतलब आएगा, मतलब व्हेनेवर से कि आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए ऐसा. असेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर्ड टू पब्लिक. सबसे पहली चीज आईपीओ ग्रेडिंग का मतलब हो गया, इट इज असेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर्ड टू पब्लिक. ठीक है साहब, मतलब ये सिर्फ असेसमेंट होता है किसका, इक्विटी शेयर का. प्रेफरेंस इशू करो, बॉन्ड इशू करो, डिबेंचर इशू करो, आईपीओ ग्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है. ओनली अबाउट इक्विटी शेयर्स व्हेन यू आर ऑफरिंग इट टू पब्लिक. आप प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह करो उससे भी कोई मतलब नहीं है. जब आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो उस टाइम पे आप जो करते हैं उसको कहा जाता है आईपीओ ग्रेडिंग. अब आईपीओ ग्रेडिंग की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, एकदम ध्यान से. द ग्रेड असाइंड, एकदम ध्यान से, द ग्रेड असाइंड टू एन इंडिविजुअल इशू रिप्रेजेंट्स, एकदम ध्यान से, एक एक वर्ड को पढ़ते चलो बस साथ में, इसको हम बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे और उसके बाद में हम आगे जाएंगे. द ग्रेड असाइंड टू एन इंडिविजुअल इशू रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ दैट इशू इन रिलेशन टू द यूनिवर्स of other listed equity securities in India. बस खत्म हो गया. अब पूरी क्लास का ध्यान यहां पे, एकदम वर्ड टू वर्ड यही देखना है. एक एक वर्ड में बहुत खास इंपॉर्टेंस है यहां पे. What do you mean by IPO grading? तो साहब ये तो समझ में आ जाएगा कि it is grading, it is rating of issue of equity shares to public. ठीक है साहब, सेकेंड पॉइंट पे आ रहा हूं मैं. ग्रेड असाइन टू एन इंडिविजुअल इशू, किसी भी इशू को अगर कोई ग्रेड असाइन हुई है, ग्रेड असाइन टू एन इंडिविजुअल इशू रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव असेसमेंट. आईपीओ ग्रेडिंग इज अ रिलेटिव असेसमेंट, इट इज नॉट एन असेसमेंट, इट इज अ रिलेटिव असेसमेंट. सर फर्क क्या होता है, असेसमेंट में आपको इंडिविजुअली असेस किया जाता है, रिलेटिव असेसमेंट में आपको बाकियों के मुकाबले असेस किया जाता है. आप समझिए, आपकी इंस्टीट्यूट जो आपको मार्कशीट देती है दैट इज योर असेसमेंट, दैट इज योर असेसमेंट. जिनका आप लोग एमबीए करते हैं, कैट का रिजल्ट आता है 85 परसेंटाइल, दैट इज रिलेटिव असेसमेंट. 85 परसेंटाइल आपने सुना होगा, उसका लॉजिक क्या है, इफ 100 आउट ऑफ द पीपल अपियर्ड यू आर अमंग द टॉप 85, 15% जो है वो लोग आपसे आगे हैं, 84% लोग आपसे पीछे हैं. अगर आपके 85 परसेंटाइल है, अगर आपके 99 परसेंटाइल है, मतलब 99% लोग आपसे पीछे हैं, सिर्फ 1% लोग आपसे आगे हैं. तो इट इज अ रिलेटिव असेसमेंट. वेरियस हमारी मार्कशीट जो मिलती है 55%, तो उसका कोई मतलब नहीं भाई, बस हमारा मतलब है 50, मतलब पास हो गए जय माता दी, कोई रिलेटिव असेसमेंट से मतलब नहीं हमें. तो कहीं ना कहीं दिस इज इंडिविजुअल असेसमेंट, दैट इज रिलेटिव असेसमेंट. आईपीओ ग्रेडिंग इज अ रिलेटिव असेसमेंट.
रिलेटिव असेसमेंट का मतलब क्या, अगर मान लो आज एक नई कंपनी आईपीओ ला रही है, वो अपने सारी चीजें दिखाती है कि हमारे कंपनी के सारे फंडामेंटल्स हैं, ये हमारी कंपनी के सारे फंडामेंटल्स हैं, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको रेटिंग दे रही है वो उनके सारे फंडामेंटल्स देखेगी, उनको कंपेयर करेगी जो भी इंडिया के अंदर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, जो भी इंडिया में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उनके मुकाबले में देखेगी कि इनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं या पुअर हैं। अगर उनके मुकाबले में आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, उनके मुकाबले में आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो यू विल गेट 5 on 5, यू विल गेट 5 on 5। और अगर आपको लगता है आप अच्छे नहीं हैं, आप ठीक ठीक हो लेकिन बाकी सब बहुत ही गंदे हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ठीक ठीक हो लेकिन बाकी सब बहुत ही गंदे हैं बट आप उनसे तो सुपीरियर हो, तो यू विल गेट 5 on 5, यू विल गेट 5 on 5। हो सकता है आप अच्छे हो लेकिन बाकी सब बहुत ही अच्छे हैं, यू विल गेट 2 on 5, 1 on 5, 3 on 5। तो इट इज वॉट इट इज अ रिलेटिव असेसमेंट। तो आपने हमेशा इन कंपनी हैज टू स्ट्राइव कि मैं बाकी कंपनी से बेटर तरीके से काम करूं, बाकी कंपनी से हमारे फंडामेंटल्स बेटर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। ग्रेड असाइन टू एन इंडिविजुअल इशू रिप्रेजेंट द रिलेटिव असेसमेंट ऑफ वॉट ऑफ फंडामेंटल्स, कि हर एक कंपनी कुछ फंडामेंटल फीचर्स देखे जाएंगे और फंडामेंटल्स ऑफ दैट इशू इन अ रिलेशन, कि वो कंपेयर किससे करेंगे। मैंने एग्जांपल में क्या लिया, इंडिया में जितनी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उन सब से कंपेयर करेंगे, तो इन रिलेशन टू द यूनिवर्स ऑफ अदर लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज इन इंडिया। एकदम ध्यान से, तीन पार्ट में इस डेफिनेशन को आपको पढ़ना है एकदम ध्यान से। सबसे पहला पार्ट जो खत्म होता है कि असेसमेंट किस तरह का होगा, असेसमेंट किस तरह का होगा, रिलेटिव असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज को देखकर होगा, फंडामेंटल्स ऑफ दैट इशू, फंडामेंटल्स ऑफ दैट इशू। तीन क्वेश्चन के आपके आंसर आने चाहिए। सबसे पहला असेसमेंट कैसा, रिलेटिव असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज को देख के, फंडामेंटल्स ऑफ दैट इशू। असेसमेंट किससे कंपेयर करते हुए, यूनिवर्स ऑफ अदर लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज इन इंडिया। मैं अभी भी कह रहा हूं मुझे कोई मजा नहीं आ रहा याद कराने में, लेकिन देखो समझा पहले दिया, बट एग्जाम के अंदर ये लैंग्वेज लिखी तो मार्क्स है, सीधा हिसाब चलता है सिक्योरिटीज लॉ के अंदर। When I say language लिखी, does not mean कि word to word ये आना चाहिए, but keywords repeat होने चाहिए। मतलब fundamental का fundamental ही करना है, relative assessment का relative assessment ही करना है, universe of equity securities in India का वही करना है। यहाँ पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी if of but वगैरह में अपने changes किए तो चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Language need not be the same, keywords should be repeated। बिल्कुल ठीक है, चलिए सब लोग यहाँ पे। IPO grading के अंदर grade assigned to an individual issue represent what kind of assessment? Relative assessment of what? Fundamentals of an issue in relation to the universe of other listed equity securities in India. बिल्कुल ठीक है, याद हो गया है? चलो, when it comes to IPO grading, IPO grading का procedure भी आपके syllabus में होता है, ये आपके syllabus में 2-3 बार exam में पूछा गया है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही easy है। सुना रहो कैसा होता है, सब लोग यहाँ पे, कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी के अंदर जो हायरार्की है ना वो इस तरह से फ्लो करती है। कोई भी कंपनी ले लो आप, जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना वहां पे कम लोग होंगे। जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 10-15-20 होते हैं और क्या, तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिमिटेड होंगे। उसके बाद में उनके जो रीजनल मैनेजर्स होंगे, अब MNC तो नेशनल मैनेजर्स भी हो सकते हैं, हम अगर नॉर्मल बात करें तो स्टेट मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, इंप्लॉइज, वर्कर्स। तो माय पॉइंट इज यू विल ऑलवेज सी लोअर लेवल विल हैव मोर एम्प्लॉइज एंड एज सून एज यू विल गो टुवर्ड्स द हायर लेवल अपर अप द हायरार्की यू विल फाइंड लेस पीपल। ये तो नॉर्मल सबको पता है। चलो, यही चीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में भी होती है, यही चीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में भी होती है। उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को दो तरह से कैटेगराइज कर दिया, ये हो गए उनके अदर एम्प्लॉइज, ये हो गए उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अंदर, बाकी हो गए उनके अदर एम्प्लॉइज और एक हो गए उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब हम जब पढ़ना चाह रहे हैं प्रोसीजर ऑफ आईपीओ ग्रेडिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कल को कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास में, अगर कल को कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास में जाता है कि हे एजेंसी मेरी रेटिंग करो, हे एजेंसी मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेरी रेटिंग करिए, तो देयर इज अ प्रोसीजर विच हैज टू बी फॉलोड। व्हाट इज दैट प्रोसीजर, होता क्या है मुझे बताइए, क्या सबसे पहले डे 1 पे सीनियर एग्जीक्यूटिव चले जाएंगे उनके कंपनी पे? नहीं यार, सीनियर एग्जीक्यूटिव आर दोस पीपल हु आर लेस इन नंबर, हुज आर उनका जो टाइम है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो उनके टाइम को आप वेस्ट नहीं करेंगे। पहले आप किसे भेजेंगे? अदर एम्प्लॉइज, लोअर लेवल एम्प्लॉइज को। लोअर लेवल एम्प्लॉइज को जाके बोलेंगे कि जाओ उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, फिर लोअर लेवल एम्प्लॉइज जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, जो भी डिस्कशन करना है वो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन करेंगे, अगर जरूरत है तो उनकी जो ऑपरेटिव ऑपरेशंस वाली लोकेशन है ना जहां पे वो सारा काम करते हैं वहां पे जाके भी आएंगे। ये सारा काम कौन करेगा? एम्प्लॉइज।
वंस ये सारा काम कर दिया, वो लोग ब्यूटिफुली एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट को कहा जाता है एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट, कि भाई हमने उस कंपनी को प्रॉपर तरीके से एनालिटिकल तरीके से असेस कर दिया है और उसकी एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट बना दी है, और ये रिपोर्ट दे देते हैं वो सीनियर एग्जीक्यूटिव को। और सीनियर एग्जीक्यूटिव रूम में बैठे हुए 5-6 सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, हाँ यार ये एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट है, ये कहती है अब ग्रेड कौन सी असाइन करनी है, और वो लोग कंफर्टेबली रूम में बैठे बैठे उस कंपनी को एक रेटिंग असाइन कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, और वो रेटिंग कंपनी को बता दी जाएगी। दैट इज द प्रोसीजर, समझ गए। अब हमारी मॉड्यूल में जो प्रोसीजर लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, हमें तो सबको समझ गया ना प्रोसीजर क्या होता है। चलो, मॉड्यूल में सबसे पहला पॉइंट हमारा दिखा दिया गया है, सीक इन्फॉर्मेशन। लिखिएगा मत अभी कोई भी, एकदम सब लोग यहां पर, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, कि सबसे पहले मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगो। मैनेजमेंट कौन सा है? कंपनी का मैनेजमेंट, जिस कंपनी की आप रेटिंग कर रहे हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगो। आ गई, उसके बाद में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली उसमें आपकी क्वेरीज वगैरह हो सकते हैं, यू कैन हैव डिस्कशन, हैव डिस्कशन विथ मैनेजमेंट एंड विजिट द प्लेस, विजिट द लोकेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे तो लोकेशन पे जाके आने की जरूरत है, तो यू कैन इवन विजिट द लोकेशन, तो यू कैन इवन विजिट द लोकेशन। चलो ठीक है साहब, ये कौन करता है? नॉर्मल एम्प्लॉइज। क्या किया? सबसे पहले सीक फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मांग ली, इन्फॉर्मेशन में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए यू हैड अ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। आफ्टर डिस्कसिंग इफ यू फाइंड, इफ यू वॉन्ट यू कैन विजिट द लोकेशन ऑल्सो। आफ्टर डूइंग दिस थ्री थिंग्स, क्या किया? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगी, डिस्कशन किया, जरूरत पड़ी तो लोकेशन पे भी जाकर आ गए। ये तीनों चीजें करने के बाद में आपने एक रिपोर्ट बनाई, उसका नाम क्या था? एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आपने एक बार बना ली, प्रिपेयर एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट। इसके बाद में क्या होता है सब लोग ध्यान से, यू हैव टू सबमिट दिस एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट टू हूम? टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव, एंड द सीनियर एग्जीक्यूटिव assigns a grade. The senior executive assigns a grade. उसने बैठ के ग्रेड असाइन कर लिया। उसके बाद साहब क्या होगा? उसके बाद जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो इस ग्रेड को इन्फॉर्म कर देती है टू द कंपनी अलॉन्ग विद द, ध्यान से, रेशनल, अलॉन्ग विद द रीजन, कि भाई साहब अगर हमें 4/5 दिया तो क्यों दिया, हमें 2/5 दिया तो क्यों दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को साथ में रीजन भी बताना होता है कि हमने जो आपको ग्रेड असाइन किया वो क्यों किया। I'll tell you something. सब लोग यहां पर लिखने पे फोकस नहीं, पांच पॉइंट है, चलो भूल जाओ पांच पॉइंट है। मिडिल मोस्ट पॉइंट तो हमें याद ही है, मिडिल मोस्ट पॉइंट क्या प्रिपेयर करना था? एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट। चलो ठीक है सब पता है। उसके ऊपर के जो दो पॉइंट है वो तो इंप्लॉइज का काम हो गया, उसके नीचे के जो दो पॉइंट है वो किसका काम है? सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है साहब, ये भी क्लियर है। सबसे पहले इंप्लॉय क्या करता है? सीक इंफॉर्मेशन, हैव डिस्कशन विथ मैनेजमेंट, विजिट द लोकेशन इफ रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक है। ये तीन पॉइंट, मतलब हमारे दो पॉइंट हो गए। ये करने के बाद में वो क्या करता है? प्रिपेयर्स एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है साहब, प्रिपेयर भी कर ली। उसके बाद में प्रिपेयर करने के बाद क्या करता है? किसे देता है? सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव लेके देखने के बाद क्या करेंगे? असाइंस अ ग्रेड, एंड थereafter क्रेडिटिंग एजेंसी क्या करेगी? उस ग्रेड को कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी अलॉन्ग विद रेशनल। तो इसको आप स्टोरी फॉर्म में पढ़िए तो वैसे ही याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। Employees ने दो तीन काम किए, रिपोर्ट बनाई, सीनियर एग्जीक्यूटिव दिया, उन्होंने ग्रेड असाइन करके उसको दे दिया, खत्म हो गई बात। और जस्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको लिखने हैं 5 points। सर 5 ही लिखने के? जी हाँ, एग्जाम में 5 ही पॉइंट्स लिखने हैं। कोशिश करना जो आपका कंटेंट है उस 5 पॉइंट्स में ही मिक्स करके लिख दें, बहुत कंफर्टेबली एंड सूदिंग मैनर में, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। चलो पेन डाउन कर लो यार फटाफट से। चलिए सब लोग यहां पे, हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था, सबसे पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कोई पेजेस फ्लिप नहीं करेगा, कोई भी पेजेस फ्लिप नहीं करेगा, सब लोग जहां पर है वहीं पर रहेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था दैट वाज फाइनेंशियल सिस्टम। मुझे बताइए फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन। फाइनेंशियल सिस्टम रिफर्स टू व्हाट? अ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। मेरी बात सुनो यार, मैं अभी भी कह रहा हूं,
कसम खा के कह रहा हूं, जिसने क्लास में चिल्ला छोटी कर ली और बोल दिया ना, उसको घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट पॉइंट, ट्रस्ट मी ऑन दैट पॉइंट, घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा. फिर घर जाके वापस रिवाइज करना पड़ेगा. घर जाके जब घर यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के जाओगे, देखो ये मत सोचो इधर वाले को क्या लगता है उधर वाले को क्या लगता है, फर्क नहीं पड़ता है. कोशिश ये करना है कि 6 महीने बाद इधर वाला उधर वाला अपने साथ में कभी नहीं हो, अपन कहीं और आ गया. सीधा सिंपल, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ. तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या सोचते हैं, मुझे इस अटेम्प्ट में पास होना है. इट्स कंफर्टेबल, रिवाइज इन द क्लास एंड गेट डन विद इट. हमने पढ़ा था द कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम रिफर्स टू एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट व्हिच मोबिलाइजेस फंड फ्रॉम द सरप्लस यूनिट्स टू द नीडी यूनिट्स. बहुत सा, बस इतना पढ़ा हमने, ठीक है सर. फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स. कॉम्पोनेंट्स 3 पढ़े. पहले बहुत जो डिटेल में जाएंगे, मार्केट, प्रोडक्ट, पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स 3 पढ़े. इश्यूअर, इंटरमीडियरी, इन्वेस्टर. ठीक है साहब, इंटरमीडियरी बहुत हो सकती है, लिमिट ही नहीं है उसकी. फाइनेंशियल प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है. जितना हमने जो 3-4 इंस्ट्रूमेंट पढ़े ना, वो भी आप लिख सकते हैं. फिर हम लोग आए फाइनेंशियल मार्केट में. मार्केट 2 तरह का, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. इंस्ट्रूमेंट हुज ड्यूरेशन इज अप टू 1 ईयर, मनी मार्केट. बाकी सब कैपिटल मार्केट. उसके फर्दर 2 बाइफर्केशन, प्राइमरी और सेकेंडरी. मुझे बताइए, कंपनी टू इन्वेस्टर, IPO, FPO, SEBI जिसको रेगुलेट करता है, मर्चेंट बैंकर जिसमें काम करता है, प्राइमरी. बहुत इजी है, बाकी सारी चीजें हो गई सेकेंडरी मार्केट की. हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा. फिर अब सुनो फेजेस पे खुद सोचना. सेकंड क्वेश्चन में पता है रिफॉर्म्स वाला, सेकंड वाला रिफॉर्म्स का. रिफॉर्म में बहुत सारे रिफॉर्म्स पड़े. सबसे पहला रिफॉर्म में कौन आया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटर. सीक्वेंस छोड़ो, जो याद आता है बोलते रहो. ग्रीन शो ऑप्शन, एक मैंडेटरी था ना क्या, पैन, ग्रीन शो ऑप्शन, पैन, फास्ट ट्रैक इश्यू, सेटलमेंट गारंटी, शॉर्ट सेलिंग. देयर आर ट्रेमेंडस टॉपिक्स, ट्रेमेंडस टॉपिक्स. ठीक है ना, चलिए कंफर्टेबली. इसके बाद में आप लोग फ्लिप नहीं करेंगे, मैं कर रहा हूं. उसके हमने बहुत इजी पढ़ा डीप डिस्काउंट बॉन्ड. डीप डिस्काउंट बॉन्ड के अंदर हमने बहुत कि इनिशियली साल देखो, डीप डिस्काउंट मतलब इसके ऊपर कोई भी कूपन पे नहीं होता है. इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, चलिए ठीक है, और प्रीमियम इट मे बी. ठीक है, उसके बाद में हम लोग आए डिजास्टर बॉन्ड, इश्यूड बाय इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी इश्यू करती है, ठीक है सब खत्म हो गया. और उसके अंदर इट्स रिटर्न डिपेंड्स ऑन व्हाट, हैपनिंग और अकरेंस ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर हुआ तो रिटर्न कम, डिजास्टर नहीं हुआ तो रिटर्न हाई. वेरी गुड. चलिए उसके बाद में हमने पढ़ा पे इन काइंड बॉन्ड. पे इन काइंड, दीज आर दोज बॉन्ड्स इन विच द इंटरेस्ट इज पेड इन काइंड बॉन्ड्स. एक और छोटी सी बताता हूँ इसके अंदर कैसा होता है कि एक तो होता है बेसिक बॉन्ड, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट भी बॉन्ड के बीच में मिलता है. तो जो बेसिक बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है पेरेंट बॉन्ड, और जो आपको इंटरेस्ट के तौर पर बॉन्ड मिलता है उसको कहा जाता है बेबी बॉन्ड्स. वेरी कूल. चलिए उसके बाद में क्लिप एंड स्ट्रिप. क्लिप एंड स्ट्रिप हमने पढ़ा जहां पे एक नॉर्मल बॉन्ड को 2 बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जीरो कूपन एंड करंट कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन की डेफिनेशन में पता है, करंट कूपन के अंदर क्या होता है, आपको अभी कुछ अमाउंट पे करना है, आपको सिर्फ क्या मिलेगा इंटरेस्ट, आपको कोई भी अमाउंट रिडेम्पशन पे मिलेगा नहीं. बिल्कुल क्लियर है हमने. उसका हमने पढ़ा कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड. कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड इट मींस दिस बॉन्ड हैज 2 थिंग्स, अ रिवॉर्ड एज वेल एज अ पनिशमेंट. कैरेट रिफर्स टू रिवॉर्ड विच मींस व्हाट, लोअर कन्वर्जन प्रीमियम. एंड स्टिक रिफर्स टू पनिशमेंट विच इज right of the issuer to do what, redeem the bond at any point of time. chali theek hai. uske baad mein humne dekha secured premium notes. ekdam dhyan se bina koi idhar udhar dekhega nahi. secured premium note is a blend, is a combination of debt and equity. spn ke sath mein ek cheez kya attached hoti hai, detachable warrant. detachable warrant gives you a right to buy equity. iske sath mein ek lock in period hota hai for how many years, 4 to 7. lock in period pe kya nahi milta, interest. उसके बाद हमने कहा IPO grading. अब मुझे definition बताएंगे आप अच्छे से, एकदम सब लोग यहाँ पे बिना देखें. The grade assigned to any individual issue represent what? Relative assessment of fundamentals of that issue in relation to the universe of other listed equity securities in India. एक आध वर्ड इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ बस कीवर्ड्स आपके रिपीट हो जाए. बिल्कुल ठीक है ना. उसके बाद हमने बहुत इजी सा टॉपिक पढ़ा था कि आखिर क्रेडिटिंग जो ये आईपीओ क्रेडिटिंग का प्रोसीजर क्या होता है. 5 पॉइंट पढ़े थे डायरेक्टली, अब याद छोड़ो. फर्स्ट पॉइंट क्या है, सीक इंफॉर्मेशन. सेकंड, थर्ड, प्रिपेयर एनालिटिकल असेसमेंट. फोर्थ, गिव इट टू सीनियर एग्जीक्यूटिव, दे विल असाइन ग्रेड. लास्ट पॉइंट, ग्रेड विल बी असाइन टू
along with rationale, reason. Rationale मतलब reason, अब reason लिखेंगे तो भी चलेगा. Rationale is a nice word, that's it. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे हमारे पांच पॉइंट कवर हो गए. अब देखो सुनो, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि साहब बाकी सारे पॉइंट तो हमें मार्क कसम याद हो गए, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज क्रेडिट आईपीओ ग्रेडिंग की डेफिनेशन हो गई, ये हम एक और बार देखना चाहेंगे. बाकी सारी चीजें तो हम भूलेंगे ही नहीं. बिल्कुल ठीक है. तो आज हम नेक्स्ट टाइम जब क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे तब हम बाकी पांच. देखो डिजास्टर बॉन्ड कौन इश्यू करता है आप नहीं भूल सकते. अब आप क्या भूल सकते हो, दैट इज आईपीओ ग्रेडिंग की डेफिनेशन. बाकी तो कुछ नहीं भूलोगे ना. तो नेक्स्ट रिवीजन में बाकी सब छोड़ते हैं, बाकी सब मेरे हिसाब से हो चुका है. सिर्फ आईपीओ ग्रेडिंग की डेफिनेशन मैं दो तीन बार और करवा दूंगा. बिल्कुल ठीक है. चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 6, ऑप्शन ट्रेडिंग. अब सुनो, अब थोड़ा समझ